दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर राणा की हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं। इस समय न्यायिक हिरासत में हैं, दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हैं। सुशील कुमार की माने तो उसने डराने धमकाने के उद्देश्य से सागर राणा को मारा था और उसका युवा पहलवान की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। सुशील की बात को यदि अगर सच मान लिया जाए तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत के इस दिग्गज पहलवान को मैट पर अपनी प्रतिभा दिखाने के बजाय गुंडागर्दी करना और गैंगस्टर्स के साथ डील करना रास आया। दरअसल मौजूदा दौर में गुंडागर्दी हाईटेक हो चुकी है। गैंगस्टर को सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझ में आने लगा है। लोगों को डराने धमकाने और उनसे वसूली करने के लिए वो फिल्मों का सहारा ले रहा है। संभव है सुशील कुमार भी गुंडागर्दी के इसी नए वेरिएंट का शिकार हुआ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशील कुमार कई गैंगस्टर और उनके गुर्गों के मामले में पुलिस के सामने उनके पैर भी करता था। सुशील कुमार कुछ महीने पहले गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के भाई प्रदीप की एक मामले में मदद करने हरियाणा के सोनीपत तक गया। सुशील कुमार जिस सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी है उसी सागर के साथ एक और पहलवान सोनू महाल की पिटाई भी हुई थी और कहा जाता है कि सोनू महाल काला जठेड़ी का ममेरा भाई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक काला जठेड़ी इस समय हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि मलेशिया या फिर दुबई में है। वो गिरफ्तारी के डर से दुबई में छिपा बैठा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस गैंग को काला जठेड़ी का भांजा सोनू महाल ही ऑपरेट करता है। दुबई और मलेशिया में बैठा काला जठेड़ी हुक्म करता है और उसके गुर्गे दिल्ली NCR से लेकर हिंदुस्तान के 5 राज्य राजस्थान हरियाणा उत्तराखंड पंजाब और उत्तर प्रदेश में जुर्म के दुनिया में अपनी दहशत कायम कर रखी है। कुछ दिन पहले ही सुशील की एक तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर में काला जठेड़ी का भाई प्रदीप सुशील कुमार के साथ सफेद रंग की शर्ट पहने बैठा हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो काला जठेड़ी के भाई प्रदीप की शादी का है। उस शादी में सुशील कुमार भी काला जठेड़ी के भाई के साथ दिखाई दे रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सुशील कुमार और बदमाशों के बीच कुछ तो रिश्ता है। 4 और 5 मई की दरमियानी रात को काला जठेड़ी के ममेरे भाई सोनू महाल को पीट कर इस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सुशील ने अनजाने में काला जठेड़ी के भाई सोनू महाल की पिटाई की थी। इसके बाद सुशील ने कई बदमाशों की मदद से काला जठेड़ी से माफी मांगने की भी कोशिश की। खबर यह आ रही है कि काला जठेड़ी सुशील से बदला लेने पर अड़ा हुआ है और इसी वजह से जेल के अंदर या बाहर काला जठेड़ी और सुशील पहलवान के बीच गैंगवॉर होने की आशंका है। दरअसल काला जठेड़ी गैंग के कई बदमाश पहले से ही तिहाड़ हो या फिर मंडोली दोनों जेल में मौजूद हैं। इसी वजह से सुशील कुमार को जेल के सेल में अकेले रखा गया है। सुशील कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल में रखा गया है। अभी सुशील को जिस जेल नंबर 15 में रखा गया है वो मंडोली जेल की हाई रिस्क जेल है। सुशील को इसीलिए इस सेल में अकेले रखा गया है कि जिससे किसी भी अन्य गैंगस्टर या गैंग से उससे कोई खतरा ना हो। अन्य सेल की तरह इस सेल में 24 घंटे CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। एक जवान को अलग से तैनात किया गया है। जेल प्रशासन भी पहले से कह चुका है कि जेल में किसी भी तरह की गैंगवार होने की कोई भी आशंका नहीं है। दिल्ली पुलिस भी दबे जवान से ये बात कह चुकी है कि जेल में सुशील कुमार पहलवान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हालांकि अब देखना अहम होगा कि जब जेल प्रशासन दिल्ली पुलिस दबे जवान से ही सही ऐसा कह रही है तो सुशील कुमार बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि जेल में उनकी जान को खतरा है। क्या सुशील कुमार पहलवान लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन सुशील कुमार पहलवान जिस तरह से पहले दिन जब जेल में उनको शिफ्ट किया गया था उसके बाद उनका रोना धोना देखने को मिला था, लेकिन अब जेल की आदत पड़ गई है उनको। अब इस माहौल में वो सामान्य हो चुके हैं। रोजाना सुबह उठते हैं, चने खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सुशील कुमार पहलवान को जेल में किसी भी तरह की कोई समस्या है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर सुशील कुमार को काला जठेड़ी नामक बदमाश का डर सता रहा है तो उसके पीछे असली वजह क्या है। ये तो खैर आगे तथ्य जब एक एक कर जांच सामने आएगी तब काफी कुछ चीजें निकल कर सामने आ पाएंगी। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।